प्रभ निर्विघ्नम् कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आदिपुञ्जं गणाध्यक्ष गणपति बाप्पा मौर्या मंगल मूर्ति मौर्या। दीदी दीदी मैं उठाऊं प्लीज? नहीं प्लीज बाप्पा प्लीज एक एक बार अभी बड़ा हो। थैंक यू। भारी है कैसे उठा था आपने? ठीक है गणपति बाप्पा मंगल मूर्ति। अरे रोक 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 उधर ही रोक। पापा का मुझे स्वागत तो करने दो। आइए बापा घर पधारिए। गणपति बाप्पा मंगल मूर्ति। आराम से। अरे पुलकी पंडित जी को बोला था ना और पड़ोसियों को कोई आया क्यों नहीं अब तक? जी बोल तो सबको दिया था पंडित जी को कॉल करके देख। जल्दी जा। जा। मॉम मैं फूल लेकर ऊपर आ रही थी तो शर्मा आंटी भंडारी आंटी से कह रही थी कि हमारे घर पर गणपति के लिए कोई नहीं आएगा। क्यों? जिनके ऊपर मर्डर केस की इंक्वायरी चल रही हो उनके घर कौन आएगा? मम्मा भगवान से किसी को कैसा बैर। आज गणेश चतुर्थी है आज हम इस बारे में कोई डिस्कशन नहीं करेंगे। और वैसे भी अभी तो बप्पा भी घर आ गए। हर साल की तरह इस साल भी हम पूरे धूमधाम से दो दिन मनाएंगे। मेरे दोस्त और कलीग जरूर आएंगे आप देखिएगा। टेंशन मत लो। पंडित जी बोल रहे हैं वो भी नहीं आ पाएंगे बहुत बिजी हैं पता नहीं क्यों। देख लिया सोना हमारी डिस्कशन बंद करने से दुनिया की डिस्कशन नहीं रुकेगी। लोग तो हमें एहसास दिलाते ही रहेंगे कि हम क्रिमिनल्स हैं। हाँ। अब बिना पंडित जी के पूजा कैसे करेंगे? गणपति बप्पा हेलो आंटी बाकी सब नरेन एज यूजुअल हॉस्पिटल में बिजी। निशी वो अपनी फ्रेंड के घर गई है पूजा के लिए और आकाश उसके तो रेस्टोरेंट में ही खुद पूजा है। okay. बहुत सुंदर डेकोरेशन है वेरी नाइस। गणपति जी का फेस अभी तक क्यों ढका हुआ है? वो अब तक पंडित जी नहीं आए इसलिए। पंडित जी से पूजा कराती हो? रोहित सब लोग पंडित जी से ही पूजा करवाते हैं ना। तो बाप्पा को घर क्यों लाती हो? पंडित जी के यहाँ जाके दर्शन कर लो। मतलब ये कि जो लेक्चर हमें बचपन से सुनने मिला है इन्हें भी बताइए। नहीं नहीं कोई लेक्चर नहीं है। बेसिकली मैं ये मानती हूँ कि पूजा हमें खुद करनी चाहिए क्योंकि जिस भक्ति से और जिस श्रद्धा से हम पूजा करते हैं कोई और कर ही नहीं सकता है कि नहीं। और जब हम इतनी भक्ति से इतनी श्रद्धा से पूजा करेंगे तो आशीर्वाद तो मिलना ही है सक्सेस का फेम का हेल्थ का वेल्थ का राइट। हाँ लेकिन रस्में मंत्र ये सब हमें हाँ। कैसे पता? तो पूजा की थाली की फिक्र है ना। अब पूजा की थाली में कितने फूल हैं कितनी सुपारी है इससे बप्पा को कोई फर्क नहीं पड़ता। मन साफ होना चाहिए है ना मॉम? एब्सोल्युटली। दिल में श्रद्धा और प्यार होना चाहिए बस। हाँ लेकिन फिर भी कम से कम पूजा की विधि तो पता होनी चाहिए। मुझे तो वो भी नहीं आती। कम से कम अगर हम पूजा कर भी रहे हैं तो सही तरीके से होना चाहिए ना। मेरा एक फ्रेंड है कुणाल यूएस में डॉक्टर है उसने एक अमेरिकन से शादी की है पूरे हिंदू रीति रिवाजों के साथ इंटरनेट पे वीडियो देखकर। वाओ। तो आई एम श्योर गणपति स्थापना का भी कोई ना कोई वीडियो तो होगा ही। डेफिनेटली। हियर यू गो ये देखो। आओ। लेकिन फिर भी ये पप्पा वेट कर रहे हैं। हमारे बिना पूजा कैसे शुरू करोगे रोहित? मम्मी बड़ी मम्मा
यू। सॉरी बेटा देर हो गई, इतनी बड़ी फैमिली है तैयार होने में टाइम लग गया। हम भी तुम्हारे साथ गणेश चतुर्थी मनाएंगे। थैंक यू, आप सब लोग आए बस यही काफी है। आइए। सर्वांगी सुंदर उदिशेंदुराची कंठी जळके मान मुक्ता फळाची जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति हो श्री मंगल मूर्ति दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ति जय देव जय देव लंबोदर तू विनायक तू मल्लोनेश्वर मोरया विघ्नेश्वर तू एक दंत तू ये मेरे भैया, ये भाभी। हाँ हाँ, इन्हीं की अभी शादी हुई थी ना, आपकी वजह से। बहुत बहुत मुबारक। और ये भाभी के भाई शैलेश। नमस्ते। नमस्ते। पार्वती जी, आपको शायद याद नहीं लेकिन मैंने पहले भी आपको देखा है। अच्छा, कहाँ? पुणे के होटल में जहाँ मैं काम करता हूँ। कौन सा होटल? मात्रे साहब का, जहाँ परफॉर्मेंस के लिए आई थी। उनके छोटे भाई की वो बैचलर पार्टी थी ना। तुम माधुरी को जान? आपने शायद मुझे नहीं देखा होगा लेकिन मैं कैसे भूल सकता हूँ आपको। कितना तमाशा होता उस शादी की रात। सविता भाई ने को भी तो आपने बुलाया था और फिर उसके बाद। हम बाद में बात करते हैं, आप दर्शन कीजिए ना। मम्मी लेके जाओ। रोहित ने सब सुन लिया है, आई एम श्योर। और अब ना वो शांत नहीं बैठेगा जब तक वो इस बात की तह तक नहीं पहुंच जाता कि मैं पुणे क्यों गई थी। इसे रोकना होगा। पर वेटर था रोहित, इसे क्या पता होगा। रोहित प्लीज, यहाँ सब लोग मौजूद हैं, अगर ये बात निकली तो माहौल खराब हो जाएगा, इसलिए इस वक्त नहीं। प्लीज अंकल प्रसाद। Thank you, Uncle Apai. It means a lot to me. It's okay. Actually, मैं जन्माष्टमी की रात जो कुछ भी हो उसके लिए आपसे माफी मांगना चाहती थी। मेरी वजह से आपके घर पे पुलिस आई, आप सबको इतनी तकलीफ हुई। I'm sorry, सोनाक्षी। घुमा फिरा के बात करने की मेरी आदत नहीं है, मैं डायरेक्टली बात करता हूँ। हमारी जो पुणे की कॉन्ट्रोवर्सी है ना,
इज जस्ट नॉट वर्थ इट। मैं मानता हूँ पैसा कमाना सबको अच्छा लगता है, ऐसा पैसा किस काम का जिससे तुम खुद खराब हो जाओ। नहीं अंकल वो बुरा मत मानो सोनाक्षी, बहुत बड़े गायनेकोलॉजिस्ट हैं ये, अपनी रेपुटेशन की बहुत फिक्र है इन्हें, बच्चों को दुनिया में लेके आते हैं लेकिन प्यार जज्बात ज्यादा समझते नहीं। इनकी तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूं क्योंकि आई एम श्योर इन्होंने जो भी कहा होगा इनका वो मतलब नहीं होगा, है ना? देखा जब अपने ही हम पे भरोसा नहीं करते तो बाहर वालों से क्या एक्सपेक्ट करना। फॉरगेट इट, अभी नहीं बताओगी पूना में क्या हुआ? मैं पुलिस को बता चुकी हूँ, आई एम श्योर वो लोग अपना काम कर रहे हैं। दी, हाँ, आ रही। डॉक्टर सिप्पी कोई ब्रेक थ्रू तो नहीं है, लेकिन इतना पता है कि मात्रे पुणे में नहीं मुंबई में है। उसका पुणे का फोन बंद है लेकिन उसका मुंबई का फोन चालू रहेगा। हमारे पास पनवेल के चेक नाके का सीसीटीवी फुटेज है। डॉक्टर सिप्पी मैं जानता हूँ आप सोनाक्षी जी को लेकर काफी परेशान है, लेकिन डोंट वरी हमारे पास एक लीड है। कैसा लीड? कोई है मात्रे के साथ या मात्रे के लिए काम करता है, उसी ने उन दोनों भाइयों को शरण दी है। देखिए हम अपना काम कर रहे हैं, हमारी नजर सभी पर है। थैंक यू सर। ओके बाय। ठीक हो? जी सर। पूना के होटल में काम करते हो ना? जी सर। मात्रे साहब अपनी वाइफ के मर्डर के बाद कहाँ चले गए?